हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ वोकैबुलरी सेक्शन लेकर के, खास करके जो प्रीफिक्स का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वर्ब्स है उसमें प्रीफिक्स सफिक्स ये होता है। तो आज मैं प्रीफिक्स लेकर के आ रहा हूँ जिससे कि आसान, काफ़ी आसान हो जाएगा। वर्ड मीनिंग्स वोकैबुलरी याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक के आधार पर काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे आज मैंने लाया है कि प्रीफिक्स, आखिरकार प्रीफिक्स को यूज़ करके जो वर्ड्स वगैरह बनता है उसको कैसे ही एक प्रीफिक्स से कितने सारे मीनिंग्स को हम पता कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे आते हैं, देखते हैं। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स, प्री माने पहले, फिक्स कर दिया, किसी भी वर्ड के पहले कोई वर्ड फिक्स कर दिया जाए उसी को प्रेफिक्स करते हैं। चलो एक एक करके चलते हैं। ये प्रेफिक्स का कॉलम है, ये मेनली एडेड टू, किस में वो ऐड होता है, ये हो गया आपका मीनिंग का और ये हो गया एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल वन, ए प्रेफिक्स है और ए किस में जोड़ा जाता है, एडजेक्टिव में, जैसे कि उसका मीनिंग होगा नॉट और विदाउट। और मोरल है, मोरल क्या है, एडजेक्टिव है, उसमें ए लगा दिया, ए मोरल हो गया, यानी नीति विहीन हो गया। और सेक्सुअल में ए लगा दिया, यानी कि विदाउट सेक्स, जिसको कि लिंग को पता नहीं चले, दैट इज ए सेक्सुअल। अब चलो नेक्स्ट वन, एंग्लो, एंग्लो एडजेक्टिव हो गया और एंग्लो को ये मीनिंग है उसका इंग्लिश। इंडियन, ये क्या है, एडजेक्टिव है, उसमें हमने क्या किया, एंग्लो लगा दिया, दैट इज एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट वन, एंटी, ए एन टी ई, एंटी, उसमें एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव में ऐड होता है, वर्ब में भी ऐड हो सकता है, नाउन में भी ऐड हो सकता है, इसका मीनिंग है बिफोर, और बिफोर एंटी डेट, यानी डेट से पहले, किसी पूर्व निर्धारित डेट से पहले कोई घटना, एंटी डेट। एंटीलॉप, एंटीलॉप यानी कि जो मृग होता है, डियर एक तरह का, उसी को एंटीलॉप। नेक्स्ट देखते हैं, ए एन टी आई, एंटी, ये हो गया ए एन टी, ये हो गया ए एन टी आई, ये प्रीफिक्स है, इसको हम ऐड कर सकते हैं एडजेक्टिव में भी, इसको ऐड कर सकते हैं नाउन में भी, जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, जैसे कि एंटी सोशल, सोसाइटी के अगेंस्ट अगर कोई वर्क कर रहा है तो एंटी सोशल उसको कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी डॉट, एंटी डॉट यानी जहर के अगेंस्ट जो हम दवा इंजेक्शन वगैरह, दैट इज एंटी डॉट। नेक्स्ट है ए आर के, आर्क, आर्क का जो है नाउन में ऐड होता है, जिसका सुप्रीम मीनिंग है, सुप्रीम या मोस्ट, जैसे आर्क एंजल, एंजल आर्क एंजल, यानी एंजल में सुप्रीम, और आर्क बिशप, बिशप में जो सुप्रीम होते हैं वही आर्क बिशप कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑटो, ऑटो प्रीफिक्स है, वह एडजेक्टिव में भी ऐड हो सकता है, नाउन में भी ऐड हो सकता है, उसका मीनिंग हो गया सेल्फ, और जैसे ऑटोमोबाइल, मोबाइल को सेल्फ यानी ऑटोमोबाइल, और बायोग्राफी अपने बारे में लिखना, दैट इज सेड टू बी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है बायो, बायो एडजेक्टिव में भी ऐड होता है, नाउन में भी ऐड हो जाता है, प्रीफिक्स है, जिसका मीनिंग है लाइफ, और बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ हो गया, और बायोकेमिस्ट, ठीक है। उसके साथ चलें नेक्स्ट वन, सेंटी, सी ई एन टी या आई भी ऐड हो सकता है, ये प्रीफिक्स का काम करेगा, नाउन में वो फिक्स किया जाता है पहले, जिसका मीनिंग हंड्रेड हो गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी कि 100 meters हो गया, और इसके साथ सेंटेनरी, सेंटेनरी यानी 100th जो एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है सी ओ, को अगर ऐड होता है तो वर्ब में भी ऐड हो सकता है, नाउन में भी ऐड हो सकता है, जिसका मीनिंग होता है टुगेदर और विथ, जैसे कोऑपरेट। नेक्स्ट है काउंटर, काउंटर एडजेक्टिव में भी प्रीफिक्स हो सकता है, वर्ब के साथ भी, नाउन के साथ भी, उसका मीनिंग होगा अगेंस्ट, और काउंटर एक्ट, एक्ट के साथ काउंटर, काउंटर यानी किसी के अगेंस्ट एक्ट करना, दैट इज काउंटर एक्ट। नेक्स्ट है साइबर, साइबर जो है वह नाउन के साथ ऐड हो जाता है प्रीफिक्स में, जिसका मीनिंग है कंप्यूटर या इंटरनेट, जैसे साइबर क्राइम, कंप्यूटर या इंटरनेट से जो क्राइम होता है, दैट इज सेड टू बी साइबर क्राइम। नेक्स्ट है डीई, अगर किसी भी वर्ब में डीई ऐड हो जाता है उसका मीनिंग होता है टू टेक अवे, जैसे कि फॉरेस्ट को ले जाना, फॉरेस्ट का कटिंग, फॉरेस्ट को खत्म कर देना, डी फॉरेस्ट, और इसके साथ डिग्रेड, ग्रेड को नीचे कर देना, टेक ले लेना ग्रेड को, दैट इज डिग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट प्रीफिक्स इज डिस, डी आई एस, डिस, डिस इज एडेड टू एडजेक्टिव और वर्ब और नाउन, डिस को हम एडजेक्टिव में पहले लगा दें या वर्ब में या नाउन में, इसलिए उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, जिसका मीनिंग हो गया नॉट या ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू का जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, डिस यानी कि नॉट टू कंटिन्यू, तो यह डिसकंटिन्यू, डी आई एस लगा दिया। फिर डिसअपियर, अपियर में डी आई एस लग गया, मीन्स नॉट टू अपियर, और डिसकनेक्ट, कनेक्ट में डिस लगा दिए तो नॉट टू कनेक्ट या ऑपोजिट ऑफ कनेक्ट। नेक्स्ट वन ई, नेक्स्ट प्रीफिक्स ई, ई अगर किसी नाउन में ऐड कर दिया जाए पहले तो वह मीनिंग उसका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, और फिर जैसे कि मेल, मेल में ई लगा दिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है इको, इको प्रीफिक्स है, किसी भी एडजेक्टिव में इको लग सकता है या नाउन में लग सकता है,
इन्वायरमेंट जिसका मीनिंग हो गया, और जैसे फ्रेंडली में इको लगा दिए यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। नेक्स्ट है एडजेक्टिव en, en प्रेफिक्स किसी एडजेक्टिव या नाउन में लगा सकते हैं जिसका मीनिंग हो जाता है मेक या पुटिन, जैसे कि इनेबल, एबल को मेक कर दिया, संभव कर दिया, इनेबल। डेंजर, डेंजर को इन यानी कि टू मेक समथिंग डेंजरस, तो इन डेंजर। नेक्स्ट है यूरो, यूरो एडजेक्टिव में भी ऐड हो सकता है, नाउन में भी, जैसे मीनिंग हो गया यूरोपियन, जैसे कि यूरोसेंट्रिक। नेक्स्ट वन प्रेफिक्स ex, किसी भी नाउन के पहले प्रेफिक्स ex ऐड हो सकता है जिसका मीनिंग हो जाएगा फॉर्मर, और जैसे प्राइम मिनिस्टर के पहले हमने ex लगा दिया यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्रेफिक्स किसी भी एडजेक्टिव के पहले लग सकता है, जैसे कि एक्सेप्शनली उसका मीनिंग हो गया, आउटसाइड भी उसका मीनिंग है, जैसे स्पेशल में एक्स्ट्रा स्पेशल या टेरेस्ट्रियल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट है फोर, एफ ओ आर ई फोर, एफ ओ आर ई फोर ये हो गया प्रीफिक्स हमारा, किसी नाउन के पहले लग सकता है या किसी वर्ब के पहले लग सकता है जिसका मीनिंग होता है बिफोर, जैसे कि फोर टेल यानी कोई चीज़ को पहले ही बता देना। नेक्स्ट है फोर हेड यानी जैसे कि सर से आगे वाला भाग जो है वह फोर हेड कहा गया। नेक्स्ट है जियो, जियो यानी कि वो एडजेक्टिव में लग सकता है या नाउन के साथ लग सकता है जिसका मीनिंग अर्थ है, जैसे जियोग्राफी हो गया और जियोथर्मल हो गया। नेक्स्ट है हाइपर, हाइपर एक प्रीफिक्स है जो किसी एडजेक्टिव या नाउन के साथ लग सकता है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम या एक्सट्रीमली, जैसे कि हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिव का एक्सट्रीम होना हाइपर सेंसिटिव, या टेंशन का एक्सट्रीम होना दैट इज सेड टू बी हाइपर टेंशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इल, आई एल एल इल, इल जो एडजेक्टिव में लग सकता है, लेकिन कौन से एडजेक्टिव, जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग हो गया बैडली, और जैसे एडवाइज में हमने क्या कर दिया, इल एडवाइज कर दिया, यानी कि यह जो है बैड एडवाइस की बात हो गई। नेक्स्ट है आई एन इन, इन हो गया एडजेक्टिव में ऐड होगा जिसका मीनिंग है नॉट या ऑपोजिट, और जैसे इनकम्प्लीट। नेक्स्ट वन आई एम इम, ये भी एक प्रेफिक्स है जो एडजेक्टिव में लग सकता है और उसका मीनिंग होता है नॉट या ऑपोजिट, जैसे कि इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है आई आर, यह एडजेक्टिव के साथ ऐड होगा जिसका मीनिंग सेम है नॉट या ऑपोजिट, और जैसे कि इरेगुलर हो गया। नेक्स्ट वन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रेफिक्स इंटर, इंटर को किसी एडजेक्टिव के पहले या वर्ब के पहले ऐड करने पर मीनिंग हो जाता है बिटवीन या एमोंग, जैसे कि इंटरनेशनल। नेक्स्ट वन किलो, प्रेफिक्स किलो है, किसी नाउन के पहले ऐड करने पर मीनिंग उसका थाउजेंड, जैसे कि किलोमीटर। नेक्स्ट एम एल, मेल, यह एडजेक्टिव के पहले ऐड हो या वर्ब के पहले या नाउन के पहले जिसका मीनिंग होता है बैडली, फॉर एग्जांपल माल ट्रीट या माल फंक्शन। नेक्स्ट है मेगा, एडजेक्टिव के पहले प्रेफिक्स या नाउन के पहले प्रेफिक्स मीनिंग हो जाता है एक्सट्रीमली या मिलियन, जैसे कि मेगा रिच या मेगा बाइट। नेक्स्ट माइक्रो, प्रेफिक्स है किसी एडजेक्टिव वाले नाउन के पहले लग करके वो वेरी स्मॉल उसका मीनिंग हो जाता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट मिड, किसी नाउन के पहले प्रेफिक्स मिड लगने पर उसका मीनिंग हो जाता है इन द मिडल ऑफ, जैसे कि मिडनाइट। नेक्स्ट मिली, किसी नाउन के पहले प्रेफिक्स मिली लगने पर उसका मीनिंग हो जाता है थाउजेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर। नेक्स्ट वन किसी नाउन के पहले प्रेफिक्स मिनी लगने पर मीनिंग हो जाता है लिटल, जैसे कि मिनी कैब। नेक्स्ट एम आई एस, मिस, किसी भी वर्ब या नाउन के पहले या प्रीफिक्स लग जाने पर मीनिंग हो जाता है रॉन्गली, जैसे कि मिसअंडरस्टूड या मिसकंडक्ट। नेक्स्ट है मोनो, प्रीफिक्स है किसी एडजेक्टिव या किसी नाउन के पहले मोनो लगने पर मीनिंग उसका होता है वन, जैसे कि मोनोलॉग, यानी कि डायलॉग का जस्ट अपोजिट मोनोलॉग, एक आदमी अगर डायलॉग दे रहा है दैट इज मोनोलॉग। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक। नेक्स्ट मल्टी, किसी भी प्रेफिक्स मल्टी किसी भी एडजेक्टिव या नाउन के पहले मीनिंग हो जाता है मेनी, फॉर एग्जांपल मल्टीटास्क या मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट न्यू, प्रेफिक्स किसी एडजेक्टिव या नाउन के पहले लगने पर मीनिंग हो जाता है न्यूली या न्यू, फॉर एग्जांपल न्यू क्लासिकल। नेक्स्ट नन, किसी भी एडजेक्टिव या नाउन के पहले या प्रेफिक्स नन का मीनिंग नॉट होता है, फॉर एग्जाम्पल नन रिफंडेबल या नन स्मोकर। नेक्स्ट ओमनी, एडजेक्टिव के पहले या प्रेफिक्स ओमनी जिसका मीनिंग हो जाता है ऑल, फॉर एग्जांपल ओमनी प्रेजेंट। इसके बाद फिर आगे देखते हैं प्रेफिक्स आउट, किसी भी वर्ब के पहले प्रेफिक्स आउट लगता है उसका मीनिंग हो जाता है डू या बी मोर देन, जैसे कि आउट रन या आउट नंबर। नेक्स्ट वन
ओवर, प्रेफिक्स ओवर किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी वर्ब के पहले लगता है तो द मीनिंग इज टू मच, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, जैसे ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर इट। नेक्स्ट पैन, पैन प्रेफिक्स किसी भी एडजेक्टिव पहले लगने पर उसका मीनिंग हो जाता है राइट अक्रॉस, जैसे पैन अमेरिका। नेक्स्ट फोटो, प्रेफिक्स एडजेक्टिव या नाउन के पहले लगता है जिसका मीनिंग हो जाता है लाइट, फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो सिंथेसिस। नेक्स्ट पोली, पोली किसी एडजेक्टिव या नाउन के पहले लगता है मीनिंग हो जाता है मेनी एंड पोलीफेज और पोलीग्रॉट। नेक्स्ट पोस्ट, प्रेफिक्स पोस्ट किसी भी एडजेक्टिव या नाउन के पहले लगता है मीनिंग हो जाता है आफ्टर, पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट प्री, किसी भी एडजेक्टिव या नाउन के पहले प्री यानी प्रेफिक्स प्री लगता है मीनिंग हो जाता है बिफोर, जैसे प्री मैच्योर या प्री इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वन प्रो, प्रेफिक्स एडजेक्टिव या नाउन के पहले लगता है मीनिंग हो जाता है फॉर या इन फेवर, जैसे कि प्रो गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्यूडो, स्यूडो किसी एडजेक्टिव पहले स्यूडो लगने पर मीनिंग हो जाता है फॉल्स, जैसे कि स्यूडोनिम, वह राइटर जिसका फॉल्स नेम दिया जाता है। नेक्स्ट वन साइको, साइको किसी भी एडजेक्टिव या नाउन के पहले प्रेफिक्स लगने पर मीनिंग हो जाता है मेंटल, फॉर एग्जाम्पल साइकोपैथी। नेक्स्ट री, आर ई री, किसी भी वर्ब या नाउन के पहले यह प्रेफिक्स री लगने पर मीनिंग हो जाता है अगेन या बैक, फॉर एग्जाम्पल रीबिल्ड या रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट सेमी, किसी एडजेक्टिव या नाउन के पहले प्रेफिक्स सेमी लगने पर मीनिंग हो जाता है हाफ, फॉर एग्जाम्पल सेमी सर्कल। नेक्स्ट वन सोशियो, किसी एडजेक्टिव या नाउन के पहले सोशियो लगने पर वह सोसाइटी से रिलेटेड मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट द नेक्स्ट वन इज प्रेफिक्स में सब, एस यू बी सब, एडजेक्टिव या नाउन के पहले सब लगने पर मीनिंग हो जाता है बिलो, और उसका एग्जाम्पल है सबवे यानी कि अंडरग्राउंड जो रास्ता बिलो और सब स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वन सुपर, एडजेक्टिव या नाउन के पहले सुपर प्रेफिक्स लगने पर उसका मीनिंग हो जाता है मोर देन या स्पेशल, उसका एग्जाम्पल है सुपर नेचुरल या सुपर बाजार। नेक्स्ट वन टेली, टेली किसी नाउन के पहले प्रेफिक्स टेली लगने पर उसका मीनिंग डिस्टेंस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कोप। नेक्स्ट थर्मो, किसी भी एडजेक्टिव पहले थर्मो जब लगता है प्रेफिक्स के रूप में द मीनिंग इज हीट, जैसे कि थर्मोमीटर। नेक्स्ट ट्रांस, किसी भी एडजेक्टिव पहले ट्रांस प्रेफिक्स लगने पर मीनिंग हो जाता है अक्रॉस, जैसे कि ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट ट्राई, किसी भी एडजेक्टिव पहले ट्राई प्रेफिक्स उसका मीनिंग थ्री, जैसे कि ट्राइंगल। नेक्स्ट अल्ट्रा, प्रेफिक्स एडजेक्टिव या नाउन के पहले लगने पर मीनिंग हो जाता है एक्सट्रीम या बियॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा मॉडर्न। नेक्स्ट यूएन अन, किसी भी एडजेक्टिव पहले अन प्रेफिक्स लगने पर मीनिंग हो जाता है नॉट ऑपोजिट, फॉर एग्जाम्पल अनसर्टेन, नॉट या ऑपोजिट यानी अनसर्टेन। नेक्स्ट वन अंडर, एडजेक्टिव या वर्ब के पहले अंडर प्रेफिक्स लगने पर मीनिंग हो जाता है टू लिटल, फॉर एग्जाम्पल अंडर एस्टिमेट। नेक्स्ट यूनि प्रेफिक्स किसी भी एडजेक्टिव या नाउन के पहले लगने पर उसका मीनिंग हो जाता है वन, फॉर एग्जाम्पल यूनिलैटरल या यूनिसेलर। एंड द लास्ट वन इज वाइस, वी आई सी वाइस, किसी भी प्रेफिक्स नाउन के पहले प्रेफिक्स वाइस लगने पर मीनिंग हो जाता है डेप्यूटी, फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, ये जितना भी प्रेफिक्स हो सकता है उसको मैंने एक साथ कलेक्ट किया, और ये प्रेफिक्स अगर हम याद करते हैं तो इस प्रेफिक्स के बेस पर बहुत सारे जो वोकैबुलरी वर्ड पावर है वो हमारा अपना हो जाता है। सो द मेन नीड इज टू प्रेफिक्स को हम याद करें, प्रेफिक्स का मीनिंग याद करें, तो उसके साथ जो भी वर्ड्स अटैच होता है तो अपने आप मीनिंग हमको स्पष्ट पता चल जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो।